एसोसिएशन ने किया निंदा प्रस्ताव पास, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। बाढ़ एसोसिएशन कोच की एक बैठक तहसील कोच में विजय बरहादरी में बाढ़ संघ अध्यक्ष नवल किशोर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कहा गया कि पूर्व बाढ़ संघ अध्यक्ष के साथ में कोतवाली कोच के एक एसएसआई और एक उप निरीक्षक ने जो भाषा और अमर्यादित व्यवहार किया है वह अधिवक्ता कतई सहन नहीं करेंगे, जिसको लेकर सर्वसम्मति से वकीलों ने निंदा प्रस्ताव पास किया गया और इस कृत्य की निंदा भी की। इस दौरान वकीलों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बाढ़ एसोसिएशन जिंदाबाद और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। कोच में कल एक मामला है, एसएसआई कोच विश्वनाथ के द्वारा आपके द्वारा अवैधता की गई, आपके साथ क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि एसआई राजीव पंत द्वारा एक कोच नगर के व्यापारी की जो किराए की दुकान थी, जिसमें मामला न्यायालय में विचाराधीन और सिविलियन जूनियर डिवीजन के यहाँ से इस्ते का भी था, जिसमें एसआई राजीव कांत द्वारा विपक्षी पार्टी से मिलकर के बाट करके उस दुकान का पीछे से जीना से गेट तोड़वा दिया और सामान उसका फेंकवा दिया, उस पर कब्जा करवा रहे थे। ये सूचना दुकान मालिक को मिले तो नहीं पहुँचा, उसने जो है इन लोगों को मना किया, जो लोग सामान देख रहे थे उस मना करने में वो लोग जा रहे थे, विवाद होने लगा, तब उसने 100 नंबर फोन किया, 100 नंबर गाड़ी आई, इनको भी ले गई, दोनों बच्चों को कोतवाली ले गई, कोतवाली में ले जाकर के एसआई राजीव कांत द्वारा उस लड़के को व्यापारी को सबसे पहले उतार के उसी की दुकान टूटी, उसी का सामान बिका, तो उसी को लात घूसों पत्तों से काफी मारपीट किया। मेरे पास सूचना गई तो मैं बस्ते पे आया अपने कचहरी, मैं भी कोतवाली गया, मैं भी कोतवाली गया, मैंने बस्ते का मामले को संज्ञान लिया कि भाई ये गलत चीज है, खाली कराई गई और इसमें इनका हाथ, तो उन्होंने दिया, उन्होंने ये घटना सही पाई। तब बाद में मैंने ये कहा मैंने कहा एसआई से तो भाई आप कार्रवाई न करो, उसकी कम से कम भाई यार या उसकी सूचना है वो तो ले लो। मैंने कहा रमन साहब आप बहुत होशियार हो, मैंने कहा नहीं आप ज़्यादा होशियार हो, बोले भाई इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता, आप देखो तो वो एनसीआर के लिए या शिकायत के लिए हो रहा था, इंस्पेक्टर महोदय जो संज्ञान में दिया उन्होंने कहा लग जाएगी, नेक्स्ट डे जब गए एसआई और वहाँ उपस्थित एसएसआई दोनों ने हमसे ये कहा कि वकील साहब ये न्यायालय नहीं है, यहाँ आप क्यों आते हो, आपके खिलाफ बहुत मुकदमे दर्ज और आप 8 नंबर में दर्ज हो। थोड़ा सा मुझे दर्जे तक आश्चर्य लगा, तो मैंने कहा कि मुकदमे आपको पता है कितने हैं, मुझसे ज्यादा आपको जानकारी नहीं होगी, मेरे खिलाफ कितने मुकदमे या मुकदमे थे, मुकदमे है नहीं मुकदमे थे, ये पेपर था उस संबंध उसके बारे में आगे चल जाए। कुछ पत्रकारों के लिए भी उल्टा सीधा कहा, जो शब्द अपशब्द कहे कि यहाँ बैठे रहते हैं और वो चाय पीते हैं कुर्सी तोड़ते हैं, तो ऐसे मतलब जो एसएसआई और एसआई हैं इनके खिलाफ आप मतलब आपका संघ क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? अब मैंने तो बाहर पहुँच के बाहर में प्रार्थना दिया और डीआईजी महोदय को, एसपी महोदय को और क्षेत्राधिकारी महोदय को क्या आश्वासन दिया, बल्कि इसके संदर्भ में क्षेत्रीय पूरा संज्ञान में मामला दिया। जब उन्होंने ये कहा कि अरे आम छवि और इस तरीके से ये रवैया रहा तो आप शिकायत करिए, अभी मैं दिल्ली हूँ, उसके बाद कार्रवाई होगी। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बगल में
सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने